92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ। नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो बिग टॉकीज। कुछ फिल्में होती है जिनको बहुत बुरे रिव्यूज मिलते हैं, इसके बावजूद फिल्म अच्छी जाती है। इस हफ्ते हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसको सुपरलेटिव रिव्यूज मिले हैं। फिल्म का नाम है तितली। इसके बावजूद फिल्म के कलेक्शन कुछ खास नहीं रहे। बात यह है कि न रिव्यूज फिल्म को बनाती है और ना ही क्रिटिक्स किसी फिल्म को बनाता है। फिल्म को बनाता है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक। हमारे आज के मेहमान है तितली की टीम। यशराज की फिल्म है और स्टूडियो में है रणवीर शोरी, शशांक और शिवानी। शशांक और शिवानी नए कलाकार है। और सबसे पहले शशांक, आप मुझे बताइए कि आपको ये फिल्म कैसे मिली? ये फिल्म मुझे बहुत मुश्किल ऑडिशन के बाद मिली। 2 महीने ऑडिशन किया मैंने इस पिक्चर के लिए और बहुत खून पसीना बहाया मैंने इस पिक्चर के लिए। वह मुझे बहुत चप्पलें खानी पड़ी और बहुत ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जिनके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहता, पर जी ऐसा एक नटशेल में प्रोसेस था और उस प्रोसेस के बाद मुझे पिक्चर मिली। और शिवानी, आपको? पहले मैं कॉलेज जैसे ही पास आउट हुई तो मुझे कॉल आया कि हम लोग एक कास्टिंग कर रहे हैं वायर एफ और DPP के लिए। तो मैं ऑडिशन पे गई और स्टार्टिंग में ही मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा था, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे मुझे बहुत मुश्किल लगने लगा था, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे एक्टर्स चाहिए थे और मैं बहुत रॉ थी और मुझे बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती थी। उससे पहले मैंने एक्टिंग नहीं किया था। सो मेरा भी कुछ 1 महीने का प्रोसेस, कास्टिंग, वर्कशॉप मिला के फिर जाके ये काम मिला। तो रणवीर, ये दोनों नए कलाकारों के साथ आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आपको तो फौरन साइन कर लिया था। और आपको इसलिए लिया था क्योंकि आप अच्छे एक्टर हो, हम सब मानते हैं। जी हाँ, मुझे इनकी तरह कोई थप्पड़ नहीं खाने पड़े, पापड़ नहीं बेलने पड़े, कोई ऑडिशंस नहीं करनी पड़ी। कन्नू ने मुझे दिमाग में रखते हुए रोल लिखा था। आई डोंट नो व्हाई एक्चुअली इफ यू आस्क मी, ऑल्दो आई एम ग्रेटफुल, क्योंकि रोल बहुत बढ़िया था, स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया थी और रोल मैंने जो आज तक काम किया उससे काफ़ी अलग था। सो माई वर्क वॉज कट आउट फॉर मी। नहीं, जब आप कहते हो कि आपने जो काम किया है उससे अलग था, क्योंकि आपने तो सभी फिल्मों में सब बार अलग ही कैरेक्टर्स किए हैं। यू आर नॉट अ टाइप कास्ट एक्टर एट ऑल। जी, एक्चुअली दैट्स द रीज़न आई थिंक आई हैव लॉस्ट आउट ऑन अ लॉट ऑफ वर्क। अगर आप सेम चीज़ करेंगे तो आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल जाएगा कुछ सालों का, यू विल गेट वर्क, बट फाइनली इट जस्ट काइंड ऑफ अपने करियर को आप खुद ही एंड दे रहे हैं जी। तो शुरू से मेरा यही एंडेवर था कि मैं कभी टाइप कास्ट के चक्कर में ना पड़ूं। इट वॉज डिफिकल्ट डूइंग द फिल्म बट इट वॉज अ जॉय। हमारे लिए तितली एक बटरफ्लाई है, मगर फिल्म के एक्टर्स के लिए तितली क्या है, उनकी इंटरप्रिटेशन क्या रही? जब नाम सुनते हैं ना तितली जी, तो आमतौर पे जब हम फिल्म का नाम सुनते हैं तो हम अपने मन में एक कहानी बनाते हैं कि ये फिल्म शायद ऐसी होगी। यशराज बैनर की फिल्मों से अलग लगती है, तो एक लाइन में अगर आपको कहना है, व्हाट डज तितली मीन टू यू द फिल्म? तितली टू मी, तितली द फिल्म टू मी मींस वांटिंग टू एस्केप सम काइंड ऑफ ऑपरेशन एंड मेटामॉर्फाइज इनटू समथिंग फ्री। शशांक, आपके लिए व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन? मेरे लिए भी इंटरप्रिटेशन जैसे रणवीर जी ने कहा, जो मेरे बड़े भाई का किरदार निभा रहे हैं पिक्चर में, कि तितली एक पिक्चर है फैमिली के बारे में और कैसे हम अपने आप और अपनी फैमिली से किसी तरीकों से एस्केप करने की कोशिश करते हैं और कैसे हमें रियलाइज होता है कि हम जिससे एस्केप कर रहे हैं हम वो खुद ही हैं। अच्छा, और आप दोनों ने बिल्कुल वही बोला जो मुझे बोलना था, क्योंकि इसका मतलब यही है। तितली बहुत छोटा सा एक इंसेक्ट है बेसिकली, जो बहुत खूबसूरत है, और किस तरीके से तितली हम देखते हैं एक फूल से दूसरे फूल पर बैठता है, हम ज़्यादा उड़ नहीं पाता, ज़्यादा ऊँची उड़ान नहीं लगा पाता, और वो इसी तरीके से ये फैमिली को डिपिक्ट करता है कि हम अपनी फैमिली से चाहकर भी कितना भी दूर जाने की कोशिश करें पर कहीं ना कहीं फैमिली हमारे अंदर ही होती है, तो ये मायने रखता है। पर शिवानी की ये फिल्मी फैमिली ने फिल्म के 2 महीने उनके साथ बहुत मुश्किल से बिताए, ऐसा क्यों जानेंगे शशांक के साथ। इस किरदार जो आप निभा रहे हो, वो किरदार और जो आप असल जिंदगी में हो, उसमें कितनी सिमिलैरिटीज़ है? नीलू जो कैरेक्टर है मैम, वो ऐसा है कि उसके बहुत सारे शेड्स हैं, वो कोई एक तरीके का कैरेक्टर नहीं है, तो वो जैसी सिचुएशन पड़ती है उस हिसाब से रिएक्ट करती है, जो शायद हम सभी करते हैं। ये सारी चीज़ें जो आप बोल रही हो ना, जैसे कि नीलू हम सब में है या मैंने कैरेक्टर स्टडी किया, हाँ। आपकी तो पहली फिल्म है,
तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें आपने खुद सोची है या ये डायरेक्टर और राइटर आपके साथ ये सारी बातें करते हैं इसलिए आप अभी उनकी जबान बोलते हो? मुझे शायद अगर मैं ऐसी बातें नहीं करती तो फिल्म पक्का नहीं मिलती, बिल्कुल ले लेते। स्टार्टिंग में जब मैं आई थी, प्रोसेस जब शुरू हुआ था उस टाइम आई वाज जस्ट 21, तो मैंने व्हाइट साइड तो बहुत देखा था पर इतना ब्लैक वाला साइड पे या इतना ग्रे जोन नहीं देखा था, तो मैं बहुत सारी चीजों से अग्री नहीं करती थी, तो मैं बहस बहुत करती हूँ, तो ये मेरी ही जुबान है। क्योंकि तो शशांक आप बताओ कि इतनी ज्यादा बहस करती हुई हीरोइन कैसी लगती है? जी बहुत भुगता हूँ मैं, दो महीने मुश्किल से बताया मैंने, पता नहीं कैसे नहीं मैं बहुत मजा आया क्योंकि शिवानी के साथ दो महीना शूट करके एक्चुअली जिस तरीके से शिवानी बात करती है उस स्पीच को मैं एज तितलीज कैरेक्टर अप्लाई कर पाई। क्या क्या कर रही हूँ मैं, उधर जा रही हूँ, मैं ऐसे बोलूंगी, मैं ये करूंगी, तो तितली भी थोड़ा जब बोलता है ना वो थोड़ी ऐसे। अच्छा, ये आपके कैरेक्टर का नाम तितली है? जी, मेरे कुछ अजीब सा लगता है ना मेरे को, इनफैक्ट अच्छा लगता है ये थोड़ा फेमिनिन टच इस ओवरली मैस्कुलिन देश में जहाँ हर चीज इतनी रॉ है, हर चीज इतनी स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन और रगेड है, उधर एक तितली है, एक नाम इतना सिंपल और ब्यूटीफुल और गर्ली ऑलमोस्ट, और उसमें इंटेंसिटी उतनी है उसमें। और तितली आप जैसा कितना है और नहीं है? तितली जो माहौल है वो बिल्कुल जो जिसमें तितली पैदा हुआ था रहता है वो बिल्कुल उस माहौल की तरह नहीं है जिसमें मैं पैदा हुआ था, मैं जीता हूँ। बट दैट बीइंग सेड द फैक्ट दैट मैंने कभी लाठियाँ नहीं खाई या सोटियाँ नहीं खाई बचपन में, या मैं एक बिना खाने और पीने के जो घर में पैदा नहीं हुआ, बिना छत के पैदा नहीं हुआ हूँ, दैट बीइंग सेड हर इंसान में कॉमनलिटीज होती हैं, सिमिलैरिटीज होती हैं। तितली भी किसी चीज़ों से भागना चाहता है, मैं भी शशांक चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सिमिलैरिटीज भी हैं। रणवीर शौरी जैसे मंझे हुए एक्टर ने न्यू कमर्स के साथ काम करने को कैसे हाँ कर दी, और शूटिंग के दौरान किसे लगता था रिहर्सल्स के दौरान ज्यादा वक्त? रणवीर, इन दोनों को मैं सुन रही हूँ, दे आर वेरी पैशनेट, वेरी एंथुसियास्टिक, वेरी एनर्जेटिक, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट वर्किंग विद न्यू कमर्स। जी, यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दैट। या, और आप में भी एक स्फूर्ति आ जाती है। आप ऐसे एक्टर नहीं हो जो फौरन हाँ कह देते हो किसी रोल के लिए, इसमें आपको क्या अच्छा लगा कि आपने हाँ कह दिया है? भावना जी, मेनी थिंग्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट वॉज अ ग्रेट स्क्रिप्ट। तितली वॉज अ स्क्रिप्ट विच काइंड ऑफ रीच्ड आउट, ग्रैब्ड मी एंड आई रेड इट इन वन सेशन इन 2 hours फ्लैट। सेकंड, द सब्जेक्ट वॉज समथिंग विच हैड डायरेक्ट कनेक्ट विद मी, द रिलेशनशिप्स which Titli has, two older brothers, a father, you know, I've lived through that, I have two older brothers and a father, and how violence travels within a family. बहुत ज़्यादा violent film है। कम है लेकिन impactful है। जी। And finally, like I said earlier, जो the part, एक तो it was quite flattering when Kanu said के I have written it with you in mind, I don't get to hear that very often. जी। फिर finally, like I said, के रोल ऐसा था जैसा मैंने कभी पहले नहीं किया था, you know, I had my challenge right in front of me. मैं सोच रही थी कि न्यूकमर्स के साथ काम करने के कुछ गैर फायदे भी होते हैं, पर्टिकुलरली जब आप सीजन एक्टर हो। नहीं भावना जी, मैं एक्चुअली अपने आपको सीजन एक्टर मानता नहीं हूँ फ्रेंकली, बिकॉज आई डिडंट प्ले द सेम काइंड ऑफ पार्ट्स ना। उससे क्या हुआ कि हर रोल के बाद मेरी एक अनलर्निंग हो जाती है, वेयर आई जस्ट गो बैक टू बीइंग द लुका दैट आई एम, सो द बटरफ्लाइज आर ऑलवेज देयर। सॉरी, तितली अगेन, बटरफ्लाई, दैट एक्साइटमेंट टू एंड द फियर। नहीं तो वो पेशेंस, इंपेशेंस नहीं लगा ना न्यूकमर्स के साथ? मैं तो जी न्यूकमर से ज्यादा रिहर्सल तो मैं लेता हूं, मैं किस मुंह से इनको बोलूंगा, बिकॉज आई एम अ ग्लटन फॉर रिहर्सल। ओके, रणवीर शौरी को रिहर्सल्स करना तो बहुत अच्छा लगता है, मगर फिल्म में सबसे ज्यादा थप्पड़ किसको लगी? शशांक और शिवानी, आप बताइए कि ऐसा हुआ था कभी कि सीन लर्न करने में थोड़ा टाइम लग रहा हो या बराबर आ नहीं रहा हो और टेंशन होने लगती है कि कोई और हमारे साथ है सीन में? जी, प्रॉब्लम होती है, मेरी पहली बारी है 120 पेज की स्क्रिप्ट का एक किरदार निभाना, और याद करना इतना मुझे मतलब तकलीफ नहीं देता, याद मुझे जल्दी हो जाती है चीज़ें। मेरे लिए मुझे मज़ा आता है कैरेक्टर को समझने के लिए, मेरे लिए डायलॉग्स मैटर नहीं करते, मेरे लिए मैटर करता है कि आप फील कर पा रहे हो वो नहीं, जब तक मैं वो इमोशंस, और पहली बार, और ये इतना आसान किरदार था भी नहीं, नीलू काफ़ी एक डिफ़िकल्ट किरदार है। शशांक, बताओ मुझे कि ये शूटिंग के दौरान अगर मैं आपको कहूँ कि कोई खास मेमोरी या कोई खास किस्सा जहाँ पे बहुत मजा आया? मजा तो शायद आपको आएगा सुन के, मैं मुश्किल दिनों की बात करता हूँ एक्चुअली, बिकॉज मजे वाले कम ही दिन थे मजे वाले वो थे जब जिस दिन मैंने थप्पड़ नहीं खाया ना, वो समझ लो मजे वाला दिन निकला थी। थप्पड़ कौन मारता था? मैं पीटा नहीं, अरे सेट पे जो भी आता था उसको एक लाइसेंस मिलता था शशांक को,
दो तीन आज लगा के जाने हैं आपको। अच्छा तो, अरे रे मेरा छोटा बच्चा। और ये लोग जोर से मारते थे, जो लगते थे वो निशान छोड़ के ही जाते थे आप समझ लीजिए। तो बहुत लाफे खाए, बहुत लाफे खाए और बहुत लड़ाइयां हुई। मैंने शिवानी को भी बहुत लाफे मारे हैं, शिवानी ने मेरे को भी मारे हैं, रणवीर जी ने मेरे को मारे हैं, अमित सिंह ने मारे हैं। स्लैपिंग मैच चल रहा था जी हमारे देश में, जैसे हर रोज स्लैपिंग मैच होता है ये 100 करोड़ लोगों के बीच में, तितली भी वही दिखा रही है। रणवीर आपकी क्या याद है? वी वर शूटिंग पीक ऑफ समर इन दिल्ली, इन द वर्स्ट पार्ट्स ऑफ दिल्ली, जो सबसे जो गरीब एरियाज हैं, संगम विहार वगैरह जहाँ पे फिल्म सेट है, ऊपर से छोटा बजट। प्लीज रिमेम्बर ये इसका एक्चुअली इट इज द स्मॉलेस्ट बजट यशराज फिल्म, आई मस्ट बी बिकॉज आई डोंट थिंक इससे छोटी पिक्चर यशराज ने बनाई होगी। आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, तुम दोनों को जो नए कलाकार हो मेरा आशीर्वाद है, आप लोग अच्छा। आपके आशीर्वाद की मुझे भी जरूरत है, सिर्फ नए कलाकारों की नहीं। जी जी जी, आप सबको आशीर्वाद है, सबको गुड लक है। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच। और अब मैं भावना समाया आपसे इजाजत लूंगी अगले हफ्ते कुछ नए किरदार और एक और नई कहानी के साथ बिग टॉकीज में। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ।